हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी राउंड 3 में कितनी वैकेंट सीट रही है, सीट मैट्रिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर भी करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि इन वैकेंट सीट से कितना फर्क पड़ सकता है। नया मेडिकल कॉलेजेस भी राउंड 3 में ऐड हुए हैं, वहां पर भी सीटें ऐड हुई हैं, उससे भी कितना फर्क पड़ेगा। इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आपको बहुत सारा आइडिया इस वीडियो से लगने वाला है। वैकेंट सीट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा बेटर, यानी कि अपने लिए फायदे वाली बात होगी, क्योंकि एडमिशन तो उन्हीं सीट्स पे होना है जितनी वैकेंट होगी। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँगा लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में। उससे पहले अगर आप चाहते हो चैनल को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अगर आपको वर्थ इट लगे तो जरूर इस लाइक और शेयर कर देना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंटिन्यूअसली वीडियो की स्क्रीन के ऊपर जगह जगह पर दिखते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है पेड काउंसलिंग के लिए, तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका लो स्कोर भी है तो भी हम आपके लिए एडमिशन दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इसके अलावा वीडियोस चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप उनको चेक कर लेना। फिलहाल मूव करते हैं कि कितनी वैकेंट सीटें अवेलेबल हैं और उससे कट ऑफ के ऊपर क्या फायदा हो सकता है। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके, तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। वैकेंट सीट की बात करेंगे तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि 2023 में क्या सिनेरियो था, कितनी सीटें वैकेंट थी, कितनी परसेंटेज सीट वैकेंट थी, उससे भी आपको कंपेयर करके मैं बताऊंगा। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 ऑल इंडिया कोटे के लिए रह सकती है, उसमें क्या चेंजेस हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्लियर वैकेंसी फॉर राउंड 3, तो राउंड 3 के लिए क्लियर वैकेंसी जो 2023 में थी वो थी 2651, यानी कि 2651 सीटें 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए अवेलेबल थी। ये नंबर काफी ज्यादा होता है ये सब आप जानते हो। बात करेंगे नए एडेड सीट्स की, तो कोई भी सीट लास्ट ईयर थर्ड राउंड के अंदर ऐड नहीं हुई थी, लेकिन इस साल आप जानते हो कि थर्ड राउंड के अंदर 10 नए मेडिकल कॉलेजेस जो कि सारे गवर्नमेंट हैं वो ऐड हुए हैं, ये बात आप जानते होंगे, आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखना कि 2023 में राउंड 3 में कोई भी मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि कोई भी सीट ऐड नहीं हुई थी। टोटल सीट्स की बात करें राउंड 3 के लिए तो ये 2651 थी, तो कहने का मतलब, दो बार लिखने का मतलब है कि यहां पर राउंड 3 में क्लियर वैकेंसी ये थी। अब यहां पर कोई नया मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुआ था तो टोटल सीट जो रिमेनिंग थी वो इतनी ही थी। अगर सीटें ऐड होती तो यहां पर नंबर चेंज होता, बट सेम नंबर है क्योंकि कोई सीट ऐड नहीं हुई थी, ये मतलब आप इस चीज का समझ गए होंगे। टोटल एमबीबीएस सीट्स जो राउंड 3 में अवेलेबल थी 379 टोटल सीट थी 2023 में, लेकिन इन टोटल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर से टोटल सीट्स जो थी 10,274 थी, यानी कि इतनी ज्यादा सीटें अवेलेबल थी इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। राउंड 3 की बात कर रहे हैं अपन 2023 में। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, कितनी परसेंटेज वैकेंट सीटें थी, कैटेगरी वाइज क्या सीट्स अवेलेबल थी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूं। फिलहाल यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं, आप इतनी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की तो अब बात कर लेते हैं कि परसेंटेज वैकेंट सीट कितनी आई राउंड 3 के अंदर। हो सकता है आप में से किसी को परसेंटेज से आप आइडिया लगता हो, तो 25.80%, लगभग ये समझ लो कि 26% सीटें वैकेंट होकर आई थी राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटे के 15% सीट्स के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितनी थी, एग्जैक्ट नंबर वो मैंने बता दिया। कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं तो राउंड 3 में ओपन कैटेगरी में 1078 यानी कि 1078 टोटल एमबीबीएस सीटें आई थी। ओबीसी में बात करेंगे तो 670, ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 221। अब ये मत समझना कि सारे गवर्नमेंट है, इसमें सारे कॉलेजेस चाहे वो डीम्ड हो प्राइवेट हो, सारी कॉलेजेस मिलाकर यानी कि सभी सीटों को मिलाकर आपको यहां पर बताया जा रहा है। 221 की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे तो 438, इसके अलावा एसटी की बात करेंगे तो 214 टोटल एमबीबीएस सीट सामने आई थी, यानी इस तरीके से स्वेटर टोटल अवेलेबल थी गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर बात करें तो। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी सीटें प्राइवेट की इनमें ऐड नहीं है, लेकिन नीचे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। बीडीएस की बात करेंगे तो 398 टोटल सीटें वैकेंट थी राउंड 3 के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 1310 टोटल सीट। तो इस तरीके से ये सारी कॉलेजेस जो है यानी कि नंबर ऑफ सीट्स हैं ये सारी गवर्नमेंट हैं, इसके अलावा बीडीएस की ये वाली सीट है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इतनी सारी सीटें 2023 में बची हुई थी। तो हालांकि ये परसेंटेज मैंने ओनली गवर्नमेंट सीट्स के लिए बताया हुआ है, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सारे कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड है, बट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था तो उस चीज को आप थोड़ा सा रिवर्ट कर लेना, यानी कि ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपन बात कर रहे हैं। तो ये थी 2023 की जितनी वैकेंट सीटें थी राउंड 3 में, ये मैंने आपको अच्छे से आइडिया दे दिया। अब मूव करते हैं 2024 के ऊपर, क्योंकि मेन अपना
मोटो वही है कि कितनी सीटें वैकेंट। बात करेंगे 2024 की स्टेट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर बात करेंगे क्लियर वैकेंसी फॉर राउंड थ्री। तो राउंड थ्री के अंदर कितनी क्लियर वैकेंसी थी, तो ये है 2351। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे 2651 2023 में थी, लेकिन 2024 में ये 2351 है, यानी कि लगभग 300 सीटों की कमी है, यानी कि 300 सीटें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। अब आप खुद सोच के देखो कि इस साल जितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है उसके बावजूद भी ओनली 300 सीटों का गैप है, यानी कि ओनली 300 सीटें इस साल कम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू एडेड सीट्स, लेकिन इस साल एक सबसे अच्छी बात यह हुई है कि 150 सीटें और एड हो गई हैं 15% कोटे में। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2023 के राउंड थ्री में कोई भी सीट एड नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में 150 सीट्स एड हो गई हैं 10 नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने की वजह से। तो इससे वो जो गैप था 300 सीट्स का वो कम हो गया है, 50% तो कम हो ही गया है, यानी कि 150 सीट तो ऐड हो ही गई है, तो उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने ज्यादा टॉप स्कोरर थे, टॉप रैंकर्स थे, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन अब नहीं है। ये बात आप जानते होंगे क्योंकि उन्होंने या तो अपने स्टेट के फर्स्ट और टू राउंड में या फिर ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट और टू राउंड में कहीं ना कहीं पे एडमिशन ले लिया। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने की अपग्रेड डाला हुआ है राउंड थ्री में, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो यहां तक आपको अगर वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मूव करते हैं बाकी कैटेगरी वाइज कि कितनी सीटें वैकेंट है उसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल अवेलेबल सीट अब कितनी हो गई है 2501। जैसे कि 2351 सीटें अवेलेबल थी, लेकिन 150 सीटें बढ़ने की वजह से आपकी सीटें इंक्रीज हो गई हैं, तो अब वो 2501 हो गई है, जो कि लास्ट ईयर से ओनली 150 सीटें कम है। ये मैंने आपको समझा दिया लॉजिक। तो अभी टोटल जिन सीट्स के लिए एडमिशन होगा गवर्नमेंट के लिए वो 2501 है, यानी कि वही लास्ट ईयर वाला सीनेरियो जो कि जो लास्ट ईयर था। इसका मतलब ये है कि जो मैंने वीडियो बनाया था कट ऑफ एक्सपेक्टेड के लिए, तो मैं लास्ट ईयर के डाटा को लेकर बनाया था, तो वो डाटा एग्जैक्ट रहने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा अभी बता दूंगा, बट फिलहाल आप सिमिलर चीजों लेके चल सकते हो। टोटल एमबीबीएस सीट्स इन 422 कॉलेजेस, तो जैसे कि लास्ट ईयर 379 कॉलेजेस थी, इस साल 422 कॉलेजेस है जिनके अंदर टोटल सीट है 10,832। अब इसका मतलब यह है कि 42 सीटें इंक्रीज हो गई हैं। सीधी सीधी बात है कि 43 टू भी एग्जैक्ट बात करें तो इस साल ज्यादा है, और ये आपको समझ में आता होगा। परसेंटेज की बात करें कितनी सीटें वैकेंट है, तो 23.09% सीटें वैकेंट है, जो कि लास्ट ईयर 25.80% सीटें वैकेंट थी, अभी 23.09% है। तो इतने ज्यादा हाई एंड क्लासेस के बाद में भी अभी भी 23.09% सीटें वैकेंट है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वर्चुअल वैकेंसी, अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस साल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसका नंबर है 5666, यानी कि 5666 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपग्रेड कर रहे हैं। अपनी जो सीट उनको मिली हुई है उसमें वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि उनको कोई कॉलेज मिल गया है, या तो सेमी गवर्नमेंट का या फिर कुछ भी आप समझ लो, उसको वो अपग्रेड करके जाना चाहते हैं या तो गवर्नमेंट में या फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेज के अंदर। कहने का मतलब है कि ये भी सीटें वैकेंट ही हैं, लेकिन वैकेंट होने का मतलब इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट इनको अभी सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, तो 100% चांसेज हैं अगर इनसे कोई काउंसलिंग में गलती नहीं होती है तो राउंड थ्री के अंदर भी इनको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी सीटें ये छोड़ेंगे उतनी वापस ले भी तो लेंगे, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बताना आपको ये था कि इतने ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि या तो अपने सीट से सेटिस्फाई नहीं है या फिर वो उससे बेटर कॉलेज में जाना चाहते हैं, कि आपको आइडिया लग गया होगा। अब कैटेगरी वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। बात करते हैं ओपन कैटेगरी की, तो 947 टोटल सीटें इतनी हैं जो कि ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। ओपन कैटेगरी का मतलब है जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सभी अगर इस रेंज में आती हैं, यानी कि इतनी कट ऑफ में आती हैं, तो ये सारी सीटें वो ले सकते हैं। ओबीसी में 600 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 216, यहां पर थोड़ी सी 80 कैटेगरी की कट ऑफ नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कट ऑफ यानी कि जो सीट्स की कट ऑफ है उसके बारे में, तो ये 410 यानी कि 410 एससी की टोटल सीटें हैं। एसटी की बात करेंगे तो 178 सीट अवेलेबल है, लेकिन इनके लिए अच्छी बात यह होती है कि ये बाकी कैटेगरीज की सीट भी ले सकते हैं अगर इनका स्कोर ज्यादा है, तो अदरवाइज आप अपनी खुद की सीट तो ये ले ही सकते हैं। बीडीएस की बात करेंगे तो 406 सीटें अभी भी वैकेंट हैं, सारी आप इस चीज को समझ सकते हो। डिम्ड की बात करेंगे तो 621 सीटें अभी वैकेंट हैं, सीट्स अवेलेबल हैं राउंड थ्री के लिए। तो ये सारा सीट मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया लास्ट ईयर से कंपेयर करके भी, और इस साल क्या रही है उनको भी मैंने कंपेयर करके बता दिया। तो इससे आपको आइडिया ये लगा कि लास्ट ईयर से उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ओनली 150 सीटों का फर्क है, तो उससे ऑब्वियसली 300 से 400 रैंक का फर्क आने वाला है ऑब्वियसली, बट फिर भी एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया हुआ है, तो वहां तक मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर, हालांकि
वीडियो आप चेक कर लेना जो कि मैंने बनाया हुआ था। बात करेंगे राउंड थ्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो ये वाली कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है आपको, चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, वो आप चेक कर लेना। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि 24,000 से ज्यादा यानी कि 24.5 या 25 के तक भी जा सकती है, और रीजन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओबीसी में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है वो जनरल कैटेगरी, यानी कि 24,500 या 600 से लेके बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। ये वाली कट ऑफ मैंने आपको समझाई हुई है अच्छी तरीके से, ये आप चेक कर लेना। मैंने यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए बताई है क्योंकि थंबनेल में आपने देखा कट ऑफ कितनी चेंज हो सकती है, वो मैंने आपको समझाया। लास्ट ईयर से कंपेयर करके उतनी चीजें रहने वाली है जो कि इस साल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डब्ल्यूएस में 27,600 तक और एससी के अंदर 1,40,000 यानी कि 1,35 से लेकर 1,40 के बीच में, एसटी के लिए 1,75 से लेकर 1,80 के बीच में ये ऑल इंडिया रैंक रह सकती है राउंड थ्री के लिए। अगर इतनी रैंक और स्कोर है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो ना तो आप इसमें कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। हमारा एक बताने का मतलब होता है कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग पाए कि आप इस एडमिशन के रेंज में हो या फिर नहीं हो। इसके अलावा एडमिशन जो होना है वो आपको ऑल इंडिया रैंक और स्कोर के ऊपर ही होना है, जो वैकेंट सीटें हैं उनके ऊपर ही होना है, तो इसमें ना तो आपका आपका कोई पावर काम कर सकती है ना फिर हमारे। बट बताने का मतलब यही है कि आपको एक आइडिया लग पाए और आप चीज़ों को समझ पाओ। इसके अलावा अगर आपका लो स्कोर है, आप एडमिशन लेना चाहते हो MBBS में इंडिया के अंदर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम जितनी जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, बजट का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट का इशू रहेगा और स्कोर भी कम रहेगा तो दोनों चीज़ें एक साथ काम नहीं करेंगी, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो बजट आपका ज़्यादा ही रहने वाला है, तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो ही आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ऊपर नीचे लेके रखना ही पड़ेगा। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं, जितनी हमसे हो पाएगी आपको कॉलेज दिलवाने में हम जरूर हेल्प करेंगे आपकी। इसके अलावा आपका कोई डाउट है कितना आपका स्कोर है, क्योंकि थर्ड राउंड से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां के लिए आपका कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन हो सकता है, जैसे कि राजस्थान स्टेट हो गया। मैं सबसे मेन तो यही होता है, सबसे हाईलाइटेड या फिर फोकस स्टूडेंट का होता है कि राजस्थान में उनको कॉलेज मिल पाए, तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, हम आपका एडमिशन दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आपका जितना लो स्कोर है उसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम इंडिया में आपको एडमिशन दिला देंगे, बट कंडीशन वहाँ पर नहीं चलेगी कि हमें यहीं पर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि नीट के स्कोर में कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो आपकी बाकी जो ये है कि हमें यहाँ पर लेना है नहीं लेना, दूर जाना है नहीं जाना, तो वो चीज़ें आपने नेगलीफाई हो जाती हैं नीट के स्कोर के साथ में ही। तो उम्मीद करूँगा आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसी नई अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।